महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक हिंद स्वराज मात्र 90 पेज की, लेकिन यह एक मोटिवेशनल पुस्तक है। महात्मा गांधी इसके अध्याय 16 में लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन काम में लेते हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। एक उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि मान लो आपके घर में कोई चोर घुस जाए, और वह चोर अगर आपका पिता है, पिताजी है, तो उसके साथ में आप दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह चोर आपका परिचित है तो एक तरह का व्यवहार करते हैं, और अगर यह चोर अजनबी है तो तीसरी तरह का व्यवहार करते हैं। यही बात साधन और साध्य पर निर्भर करती है। वे इस बात को एक घड़ी के माध्यम से भी समझाते हैं। मुझे घड़ी चाहिए, तुम्हें जिसके पास घड़ी है उसे छीन लो, जिससे आपस में झगड़ा भी हो सकता है। दूसरा तरीका है कि उसे खरीद लो, लेकिन उसके लिए मुझे कीमत देनी पड़ेगी। और तीसरा तरीका है उसे भेंट में प्राप्त करो, तो इसके लिए मुझे चमचागिरी करनी पड़ेगी। घड़ी प्राप्त करने के 3 तरीके हो गए, मतलब साधन हो गए। तीनों का फल भी अलग होगा, इसलिए साधन की परवाह करनी चाहिए। बड़ा गहरा विषय, महात्मा गांधी ने इस विषय को अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। गांधी जी कहते हैं, साधन बीज है, साध्य वृक्ष। अतः जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही साधन और साध्य में भी है। शैतान को बचकर मैं ईश्वर भजन का फल पाना चाहूं तो ये होने वाला नहीं है। आज के परिदृश्य में जब कैसे भी करके और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, झूठ बोल करके, असत्य को फैला करके, छल कपट द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका की अपनाया जा रहा है, ऐसे में यह महात्मा गांधी का यह संदेश हमें एक रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है।